तो एक बात पहले बता देता हूँ, ऊपर जाने के लिए हम लोग को कम से कम 2 घंटा लगता है एंड हमारे पास सिर्फ 2 ही घंटे है। इसमें हम लोग को ऊपर भी जाना है और नीचे भी आना है, सो फटाफट से चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मामा भांजा हिल्स पे जा रहा हूँ, सो चलते दिखाते, लेट्स गो। सो एक बात पहले बता देता हूँ, ऊपर जाने के लिए हम लोग को कम से कम 2 घंटा लगता है एंड हमारे पास सिर्फ 2 ही घंटे है। इसमें हम लोग को ऊपर भी जाना है और नीचे भी आना है, सो फटाफट से चलते एंड दिखाते कि हम लोग कर पाते कि नहीं, क्योंकि मेरे को जॉब पे भी जाने का है। इसकी तो छुट्टी है जो वीडियो बना रहा है, तो मेरे को जॉब पे जाने का है। मैं घर पे सोया था, ये मेरे को बोलता है कि चलो कहीं घूमने जाते, तो मैं बोला चल जाते हैं मामा भांजा हिल जाते। तो अभी से थकान चालू हो गई है एंड चढ़ना इतना ऊपर, और सिर्फ 2 घंटे में ऊपर नीचे दोनों करने का है। तो दिखाता हूँ कितना ऊपर है। तो हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है एंड देखते हैं अभी क्या क्या होता है हमारे साथ। सो मुझे तो लग नहीं रहा कोई आया है, क्योंकि पूरा सुनसान लग रहा है और थोड़ा सा डर भी लग रहा है एंड क्या पता क्या होएगा हमारे साथ। तो कुछ लोग दिख रहे आगे, सो मिलते हैं आगे। सो गाइस, इधर से स्टार्ट चालू हो गए एंड वो झंडू उधर ही है, देख सकते हो उसको। आराम से आ रहा है, पर मेरे को जॉब पे आना है, सो मैं फटाफट से निकलता हूँ एंड उसको देखते हैं, उसको फटाफट से ए चल जल्दी। सो मिलते हैं ऊपर। सो गाइस, ये है स्टार्टिंग हमारी क्या बोलूँ मैं अभी, स्टार्टिंग में हमारी हालत ख़राब हो गई है एंड उसको देखो पीछे से आराम से आ रहा है, पर मुझे तो पता है जॉब पे आना है और अभी से ही थकान चालू हो गई है। सो ये के लिए जा रहा हूँ मैं, इसको पहाड़ पे चढ़ने को मज़ा आता है। सो ये मुझे मेरी नींद ख़राब करके मेरे को लाया है पहाड़ पे चढ़ाने के लिए। आवाज़ से लग ही रहा रहेगा कितना सांस फूल रहा है। रास्ता भी वैसा ही है, देख सकते हो कुछ लोग ऊपर से उतर रहे। सो गाइस, 20 मिनट हो गए हैं और आधा भी नहीं हुआ है, और व्यू देख सकते हो आप लोग, देख सकते हो पूरा था, मुझे तो लग रहा है आधी से ज़्यादा थाने दिख रहा है। थक गया, यही लड़का है जो नींद ख़राब करके लेके आया मेरे को, सोया था साला। 20 मिनट हुआ है, अभी उतना ऊपर जाने का है, बहुत ऊपर है और रास्ता अभी देख लो बहुत कठिन है। सो फटाफट से जाने का है क्योंकि जॉब का सवाल है, जॉब का सवाल है। सो फटाफट से चढ़ते हैं और फाइनल व्यू दिखाते हैं आपको, जो कि टॉप से आने वाला है, देख सकते हो रास्ता। बारिश की वजह से थोड़ा और हार्ड हो गया है। सो ये आधा हो गया हमारा, पर आधे घंटे में, और ये झंडू मुझे सुबह उठा के लेके आया और साला खुद पानी पी रहा है, खा रहा है। इधर मैंने कुछ लाया नहीं है। गाइस देख लो, ये 30 रुपए का पानी बोतल, 10 रुपए का भाई, बाहर देखो भाई, देख सकते हो चढ़ान, देख सकते हो कितना ऊपर है। सो गाइस, 75% कंप्लीट हो गया हमारा, और कंप्लीट होने के साथ साथ ये बारिश भी चालू हो गई एंड व्यू तो आप देख ही रहे हो, ये इसके वजह से सब हुआ है। साला सोने नहीं दिया आज मेरे को,
सो 25% बचा है। कहाँ जाने का पता है? उधर जाना है, दिख रहा है इधर से ऐसा रास्ता है, तो फटाफट से ऊपर जाते और वापस तो आना है, फिर आराम भी नहीं करना, घर पे जॉब पे जाना है। जो हम मिडिल क्लास वाले हैं, जॉब बहुत इम्पोर्टेंट होता है घूमने फिरने से, पर वो झंडू के वजह से आना पड़ा मेरे को, वरना मैं नहीं आता था, मस्त घर पर भी सोया। ये देख सकते हो ये रास्ता है ऊपर चढ़ने का, तो पानी देखो कैसा ज़मीन में से आ रहा है, और ये हम पहुँच गए हैं ऊपर, एंड कोई तो दिख नहीं रहा है। सो धीरे धीरे अब मेरा डर बढ़ते जा रहा है, सो आवाज़ में ऊपर नीचे होएगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही थक गया हूँ। एंड आप देख ही सकते हो अभी हम लोग को कुछ 56 मिनट्स हुए ऊपर आते आते। सो मैंने बोला था बिना ब्रेक लिए बिना आराम किए मैं चढ़ूँगा, वो तो देखो आप पीछे, बट थक गया है बहुत, एंड व्यू का मज़ा तो आप ले ही सकते हो। सो भाई थोड़ा आवाज़ में एडजस्ट कर लेना क्योंकि सांस फूल चुकी, और ये हम लोग पहुंच गए ऊपर, देख सकते हो गेट दिख रहा है आपको। सो पढ़ सकते हो आपका हार्दिक स्वागत है मामू एंड भांजा। लेफ्ट साइड में भांजा है, भांजे का है, और राइट साइड में मामा का है, इसलिए इसको मामा भांजा बोलते हैं। और ये व्यू है। सो गाइस कितनी टॉप पे आप देख सकते हो, एक मिनट जरा दिखाता हूँ मैं अच्छे से, इतना ऊपर बारिश का मौसम में बादल होने की वजह से पूरा धुंधला धुंधला दिख रहा है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा ही ऊपर पे ऊपर है, और वो बादल देख सकते हो उधर बादल जैसा दिख रहा है। एंड अभी आप अगर नीचे से देखोगे ना ऊपर, तो ये जो टेकरी है ना, हम लोग को इधर से तो दिख रही है, लेकिन हम जब नीचे से देख रहे थे ना तो उधर बादल जैसा दिख रहा था। सो वो देखो वो भांजा है और वो मामा है, इसलिए इसको मामा भांजा बोलते हैं। इनकी स्टोरी तो उतना नहीं पता है मेरे को, बस उधर कहीं तो एक स्टोरी लिखी थी। एंड ये देख सकते हो ये पूरा संजय गांधी नेशनल पार्क है, और उधर कोने में उपवन है, और कहाँ तो वेस्ट में है ना ये, तो भांजा है वो, देख सकते हो उधर पब्लिक है थोड़ी सी, इधर भी है। तो अभी सिनेमैटिक चेक करो अभी आप लोग, जितना सिनेमैटिक हो सकता उतना बनाऊंगा मैं। सो गाइस आप देख सकते हो कितना हाइट पे हूँ मैं, एंड ये देख सकते हो आप, मुझे देख सकते हो साहब पूरा थक गया हूँ, पर क्या करूँ अभी फटाफट नीचे उतरना है एंड घर पे आना है, रेडी होना है और जॉब पे आना है। इसको देख सकते हो साला, क्या बोलो, कुछ बोलने के लिए वर्ड ही नहीं है। सो चलते हैं अभी, थोड़ा फ़ोटो वगैरह निकालते, इतना ऊपर आए तो फ़ोटो तो लेना पड़ेगा, एंड फिर चलते फिर वापस से नीचे चलते। नीचे जाने का तो ज़्यादा क्लिप नहीं डालूँगा क्योंकि फटाफट उतरना है, एंड जाते फटाक से। चलो सो गाइस देख रहे हो, सो अभी हवा तो इतनी मस्त चल रही है, हाँ देख सकते हो हवा चल रही है,
बारिश भी कितनी तेज हो रही है देख लो। सो देख सकते हो पूरा कोहरा हो गया है, बादल लग रहा है ऐसा, नीचे आ रहा है धीरे धीरे। पैर कांप रहा है। और गाइस सच्ची आराम से गिरना मत। इधर में गिर जाता है, इधर में गिर जाता, पता है क्या? इधर आइए, इधर आइए। तो गाइस, सो हम लोगों ने बोला था 2 घंटे में ऊपर नीचे करने का है, पर 2 घंटा भी नहीं लगा, अभी 15 मिनट बाकी है। उतरने में हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया और चढ़ने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। तो अभी उधर एक छोटा सा झरना है, वो पहाड़ से जो पानी आता है उधर से, तो उधर चलता हूँ लेके, देखते उधर का। तो गाइस इसके लिए तो आया था। तो गाइस देख सकते हो पानी कितना तेज आ रहा है, कितने फोर्स मारो वो देखो ऊपर ही है। आना इधर आ, तो थोड़ा भीगते और घर पे आते। मैंने बोला था 2 घंटे में नीचे आना है, पर अभी 2 घंटे में भी 10 मिनट बाकी है। तो बारिश चेक करो, एंड हम इतना जल्दी उतर गए और अभी तो झरना भी मैंने देख लिया। तो अभी घर पे आने का है, तो हम ब्लॉग इधर ही एंड करने वाले। तो अब तक जिसने भी देखा उसको थैंक यू, एंड जाते आते लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके जाना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इसे सपोर्ट बनाए रखिए, धन्यवाद।